कफन के लिए, कफन के लिए। शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष मैं हेमपुष्पा दो शब्द कहने जा रही हूँ। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद देश के कर्णधारों ने भारत के नए संविधान का निर्माण किया। यह नया संविधान 26 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम हमारे देश में लागू किया गया। तभी से इस संविधान के अनुसार भारत गणराज्य घोषित किया गया। उसी दिन से हमारा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बन गया। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम सभी भारतीय हैं तथा इस देश के भावी नागरिक हैं। आगे चलकर हमें ही इस देश का भावी ढंग से निर्माण करना है। दोस्तों, आइए हम सब अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि भारत माता ने हमें दिया क्या है और प्रतिदान में हमने किया क्या है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत माता ने हमें अन्न, वस्त्र, आवास आदि सब कुछ दिया है और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है और करती आ रही हैं। दोस्तों, चलो इस पूर्ण अवसर पर हम सभी प्रण लें कि कदम से कदम मिलाकर चलें, इस देश को धन और मान से भर देंगे। भारत से सब कुछ लेने के बाद यह ना हो कि हम दूसरे देशों में जाकर बस जाएं, बल्कि दूसरे देशों से अच्छी अच्छी बातें सीखकर कुछ करके दिखाएं। इस तिरंगे झंडे को सदा ऊंचा रखने का प्रयास करें। इसके बाद में आप सबके साथ लहराएंगे हर जगह तिरंगा जो भारत माँ की है आन का, लहराएंगे हर जगह तिरंगा जो भारत माँ की है आन का। जय हिंद, जय भारत।